खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने देखा रहेगा, हेल्प करके पिक्चर की थी मैंने एक बहुत पहले, तो हॉरर फिल्म एक की है, बट ये एक हॉरर नहीं है, एक थ्रिलर है। वहाँ पे लाइक भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं है, एक अलग स्टोरी है, थ्रिलर कह सकते हैं। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, और नए साल की शुरुआत एक नए प्रोजेक्ट से, अच्छे काम से हो गई है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैम, ये वर्क विद नेशनल अवार्ड विनर मधु भंडारकर, जैसे डायरेक्टर का काम किया आपने, तो यहाँ पे नए प्रोड्यूसर से यू वर्क ना प्रोजेक्ट, क्या बेसिकली आपका क्राइटेरिया रहता है प्रोजेक्ट पे काम करने का? देखो, इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद ये तो पक्का है कि एक अपना किरदार हमें देखना है, स्क्रिप्ट देखनी है, और सी देखो, जो बनाने आते हैं पिक्चर वो तो सब अच्छे इंटेंशन से आते हैं। सो नए हो, पुराने हो, अवार्ड विनर्स हो, सबको अच्छी पिक्चर बनानी है। सो जब भी आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगे, आपका किरदार कंफर्टेबल हो, अच्छा लगे, आई थिंक आई गो फॉर इट, दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड। काम करते रहना है एंड क्राफ्ट हमारा बढ़ाते रहना है, और लोगों को एंटरटेन करता रहना है, इतना ही हमारा काम है। हाँ, रिजेम्बलेंस तो है, और गोविंदा जी के साथ भी मैंने काम किया है, तो अच्छे उम्दा आर्टिस्ट है आकाश जी, और अच्छा लग रहा है, एक अलग, बहुत दिनों के बाद एक ऐसा जॉनर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत डिफ़िकल्ट रोल है प्ले करने के लिए, तो बहुत उम्दा तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जब अच्छे एक्टर्स साथ में आते हैं, अच्छे लोग साथ में आते हैं, तो काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। सोचती हूँ कि बहुत डेयरिंग सी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट करना, नॉट ओनली हमारी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई है, तो कुछ भी नया शुरू करना एक परफेक्ट टाइमिंग हो सकती है, या फिर एक बहुत ही मुश्किल दौर हो सकता है। तो हम पॉजिटिविटी से चलते हैं कि एक परफेक्ट टाइमिंग है, नए के लिए जगह बना रहे हैं, और हम सब कामयाब रहे उसमें। आई एम प्लेइंग एक्ट्रेस, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और उसके ज़िंदगी में कैसी कैसी उतार चढ़ाव होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, वो एक वैसा किरदार है। नहीं नहीं, केक वॉक तो बिल्कुल है नहीं, कोई भी किरदार प्ले करना केक वॉक होता नहीं है, रादर जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो एक अलग ही होता है, क्योंकि हम एज एन एक्ट्रेस अलग रहते हैं, यहाँ पे एक दूसरे एक्ट्रेस का एक प्ले करना है। आई कैन बी मुग्धा गोडसे, बट आई एम अ सर्टन कैरेक्टर, सो उसको दिमाग में रह के प्ले करना होता है, तो नथिंग इज़ अ केक वॉक। देखो, सेटिस्फैक्शन हमारा जब कैमरा ऑन होता है तब शुरू होता है, तो फिर ये पिक्चर लोग मोबाइल पे देखे, टीवी पे देखे, थिएटर में जाके देखे, मुझे एज एन आर्टिस्ट फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दे वॉच इट और उनको अच्छी लगे, ये मेरा मानना है। वो बाकी सारी वो रिलीज़ की चीज़ें प्रोड्यूसर को आई थिंक मायने रखती है। एज एन एक्टर हम अपना काम करते हैं, जैसे अब मूवीज़ में कर रहे हैं वैसे OTT के लिए कर रहे हैं, सिर्फ रिलीज़ करने का ज़रिया बदल गया है। Yes, there are a couple of things coming out which are very interesting. One is with Applause Guild आ रही है, और एक press BBC के साथ आ रही है, so there are few interesting things coming up all on OTT, so I'm quite looking forward for this year, so yes. फिल्म है, टाइटल है Devil Knight, और आकाश, मैं बहुत दिन से डेविल की तलाश में था,
मुझे डेविल के रूप में एक तो आशुतोष राणा मिला था, लेकिन कुछ बात जमी नहीं। फिर मैं काफ़ी वेट किया और उसके बाद मुझे आकाश से बात हुई, मैंने आकाश का ऑडिशन लिया और मुझे वो डेविल में फिट करेक्टर नज़र आया, इसलिए मैंने आकाश को इसमें लिया है। नहीं, ये थ्रिलर है एक्चुअली, डेविल नाइट है, दिस इज नॉट कम्प्लीट हॉरर फिल्म, ये थ्रिलर है, एक मर्डर मिस्ट्री कहानी है। तो थ्रिलर में क्या अब्बास मस्तान क्या नजर आएगा जो उनका था थ्रिलर का? अब ये तो आप लोग बताएंगे, हम तो एक डिफरेंट थ्रिलर फिल्म दे रहे हैं। जो डेविल से लोग समझ रहे हैं कि हॉरर फिल्म है, लेकिन ये हॉरर नहीं है, इसमें कोई भूत डरावना नहीं है। एक आदमी है जो मर जाता है और उसके बाद वो डेविल बनता है, ये उसकी कहानी है। देखिए थ्रिलर फिल्म तो सभी पसंद करते हैं, आप भी देखना चाहेंगे, और इसका एक अपना ऑडियंस है इस फिल्म का। तो आज का शेड्यूल क्या रहता है, आज का शेड्यूल आपने किया क्या, शेड्यूल था क्या पर्टिकुलरली? आज जो मैंने शेड्यूल किया ये नैनीताल में इस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इस फिल्म के अंदर एक कहानी है, फिल्म बन रही है, उसकी शूटिंग नैनीताल में चल रही है, और ये नैनीताल का लोकल लड़का है आकाश, जिसका नाम मैड्रिक है, ये उसके प्यार में पागल हो जाता है, शूटिंग पैकअप हो जाती है, ये लोग बॉम्बे आ जाते हैं, ये उसके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है, और यहाँ फिर एक्सीडेंटल उसका डेथ हो जाता है, एक फाइट होती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है। उसके बाद ये लोग उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं और वो फिर अचानक ज़िंदा हो जाता है। अभी वो सुपर पावर बन चुका है और उसके बाद पूरा थ्रिलर है। आकाश इस रोल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, जैसे शाहरुख खान डर में थे और इसने पॉजिटिव भी काफ़ी अच्छा, अभी तो नैनीताल में मुझे शूट करना है तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, उसमें क्लीन सेव है, और जब निगेटिव में आता है तो इसकी बियर्ड है, तो टाइम गैप है उसका, उसके बाद इसका बियर्ड है और उसमें ये डेविल कैरेक्टर में रहता है। कैसी उम्मीद है डायरेक्टर के तौर पे, क्या समझते हैं कि कैसा रिस्पांस मिलेगा? देखिए ये फिल्म मैंने 5 साल पहले लिखी है और तब से मैं डेविल के तलाश में था, और आज मैं जब सीन शूट कर रहा हूँ तो एक एक सीन मुझे वही दिखाई दे रही है जो मैंने लिखी है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। डेविल्स नाइट, इससे आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक हॉरर फिल्म है, एंड आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट टाइम मेरा जो कैरेक्टर है पॉजिटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव नहीं है। तो पॉजिटिव इस हिसाब से है कि भाई प्रोड्यूसर है, फिल्म बनाना चाहता है एक अच्छी, फाइनेंस इसको नहीं मिल रहा है फिल्म बनाने के लिए, तो फाइनेंस लेकर के एक मेकअप आर्टिस्ट होता है इसकी फिल्मों में, जो मेकअप आर्टिस्ट का काम करता है वो फाइनेंस लेकर के आता है, और इस तरह से फिल्म बनना शुरू होती है। फिल्म बनते बनते बीच में जो सब हादसे होते हैं तो वो इस तरह से हादसे होते 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 फिर हॉरर की तरफ चले जाते हैं, ऐसी एक कहानी छोटी सी है। फर्क तो है सर, पहले ज़माने में जो बनती थी वो काफ़ी दिक्कतों के साथ में बनती थी, आज भी दिक्कतों के साथ में बन रही है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि रास्ते बहुत आसान हो गए हैं। पहले रास्ते क्रिएट किए जाते थे हॉरर दिखाने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें मेकअप से क्रिएट होती थी, लाइट से क्रिएट होती थी, आज की डेट में लाइट और मेकअप जो है वो बहुत ही इजीली हो जाता है, प्लस आपके पास सीजी वर्क जो होता है, कंप्यूटर ग्राफिक जिसे कहते हैं, जिसे वीएफएक्स कहते हैं, तो वीएफएक्स और सीजी वर्क से काफ़ी सारी आसानी हो गई है। सिर्फ एक ग्रीन कर्टन रख दिया या फिर हमने ग्रीन फेस पहन लिया और उसके हिसाब से जो भी हमको बनाना है उस हिसाब से हम फेस बना करके आपको आपके सामने पेश करते हैं। हाँ सर, मैं तो हमेशा एक ही बात करना चाहूँगा कि जितने निर्माता आना चाहें वो आए हमारी फिल्म लाइन में, लेकिन हिम्मत बना करके आए। लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लेकर के आते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई फिल्म लाइन है
इतने पैसे डालेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भी हर बिजनेस की तरह ही है, जैसे हर बिजनेस में रिस्क होता है वैसे इस बिजनेस में भी रिस्क है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप बिजनेस को जानें और बिजनेस को जान करके किस तरह से किया जा रहा है उस तरह से बिजनेस करना चाहिए। आप गलत चक्करों में पड़ोगे और आपके पैसे लूट जाएंगे तो फिर आप दोष फिल्म वालों पर डालोगे तो गलत बात है, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, अभी आपके अंदर एक कैरेक्टर भी है जी, यहाँ पे क्या आपने अपनी तरफ से कुछ सुझाव सजेशन किए? नहीं सर, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्टर हूँ और इनकी स्क्रिप्ट में मैंने सुनी है, पूरी स्क्रिप्ट सुनी है, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी में मैं ज़्यादा दखल अंदाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर डायरेक्टर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक क्रिएटिविटी होती है, वो क्रिएटिविटी और वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो रखना चाहता है पब्लिक के सामने वो अपने हिसाब से रखना चाहता है, उसमें अगर जो मैं दखल अंदाजी करूँगा तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा तो वो चीज़ बिगड़ जाती है, थोड़ी सी मतलब खिचड़ी पक जाती है। तो आई डोंट यूजुअली, जहाँ भी मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ तो वहाँ पे मैं बिल्कुल अपने तरफ से कोई सुझाव नहीं देता, कुछ नहीं, अनलेस के मुझे पूछें कि यार आप कुछ बताइए कैसे मैं क्या करूँ, तब मैं अपने तरफ से जो मुझे लगता है मैं बताता हूँ। आदि सर, आपने गोविंदा का काम किया है और आकाश का जो है वो रिलेटेड है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना साथ मिला उनका, मतलब कितना ज़्यादा लगता है कि गोविंदा से रिलेटेड है वो एक्टिंग के साथ से, डांसिंग के साथ से? एक्टिंग तो आज मेरा इनके साथ में दूसरा दिन है और साथ में हमारे सीन्स हुए भी नहीं है ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा मैं एक्टिंग के बारे में बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि गोविंदा से शक्ल वकल काफ़ी मिलती जुलती है इनकी, तो एक सिमिलरिटी तो है, आफ्टर ऑल डेफिनेटली फैमिली में है, ब्लड है, तो फिर हो गए होगा। बेसिकली जब मैंने फिल्म की कहानी सुनी तो इंटरेस्टिंग लगी मुझे, अशोक जी जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने बताया फिल्म के बारे में, फिल्म थ्रिलर फिल्म है और फर्स्ट टाइम था जो मैं कोई थ्रिलर फिल्म करने जा रहा था, तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट बना इसमें ताकि इस फिल्म को करूँ। मुग्धा के साथ काम करके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज जितने भी शॉट्स होते थे बहुत ईजिली ओके हो जाते थे और इट्स वेरी इजी कि साथ में हम लोग ईजिली शूट कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। मैं एस पटनवी फ्रॉम पटना, और इस फिल्म का निर्माण के लिए हमारे जितने भी कलीग थे उन लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि हम लोग फिर से एक फिल्म बनाते हैं साथ आपके, तो हमारे जो भी डायरेक्टर्स थे, राइटर थे, इन सबों की बातों पर मैं बोला, उन लोगों ने कहा मुझे, तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने इसीलिए इनिशिएट किया इसको प्रोडक्शन के लिए। स्टार कास्ट के तौर पे आपने मुग्धा गोडसे जी को लिया है, और भी कई कलाकार हैं, मुझे बताइए कौन कौन से स्टार कास्ट में नजर आएंगे इस फिल्म में? स्टार कास्ट में इसमें मुग्धा गोडसे हैं, आदि ईरानी हैं, आकाश हैं और परवीन नयन हैं, नंद किशोर मेहता हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें, ऐश्वर्या नहीं, एक्चुअल कि इसमें जितने भी सबॉर्डिनेट जो थे वो जो भी काम करने वाले थे वो लोग सब मेरे नज़दीकी थे और ये लोग सब जुटे हुए थे, मैं तो और भी बिजनेस करता था और करता हूँ, तो इन लोगों के साथ काम करने का इन लोगों ने जो अप्रोच किया, तो इन सबों के मैंने कहा कि स्टोरी आप दीजिए, स्टोरी देखी मैंने, फिर उसके लिए स्टार्स को इन लोगों ने चूज़ किया, फिर मुझे बताया, उसके बाद पसंद आया हमें और मैंने कहा कि एक नया काम है इसको मैं शुरू करता हूँ, और उसके बाद फिर आज इस काम पर आए हैं जो कल से इसकी शूटिंग हो रही है। ऐसे इस पर आज एक करीब 6 महीने से काम चल रहा था पहले से भी, जो कि राइटिंग में, डायलॉग्स में, स्क्रीन प्ले में, तो ये सारे काम होते हुए कल 6 जनवरी से हम लोगों ने इसको 2022 से शुरू किया है शूटिंग, जो आज आप लोग आए हैं हमारे इस इंटरव्यू के लिए। मतलब महामारी में आप प्रोड्यूसर बन गए हो? देखिए, महामारी से तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, दुनिया में महामारी आती हुई है और बहुत पहले से भी सुनता आया हूँ कि हर 100 साल पर यह महामारी आती है, तो ये तो एक भगवान का लीला है, ऊपर वाला ये सब दिखलाता है जो हम लोगों को संभलने के लिए है, तो इसमें संभलना है, ये नहीं कि हम लोगों को पीछे हटना, पीछे हटूँ क्यों, और काम करना है, काम है, इंडस्ट्री कभी मरती नहीं है दुनिया में, जो दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, ना इंडस्ट्री मरी है ना ये दुनिया मरती है, और ये दुनिया चलती है, चलती रहेगी, इसीलिए सोचकर मैंने इस काम को किया। आपने
अगर कोरोना का लॉकडाउन नहीं हुआ तो हम लोग इसको अप्रैल में तक रिलीज़ कर देंगे, और ऐसे अगर भगवान का कोई ऐसा प्रकोप आ गया और इस तरह की महामारी आई तो इसमें जो टाइम लग जाए। तो थिएटर में रिलीज़ करने वाले हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म? देखिए, सब चीज़ को हम लोग करेंगे, थिएटर में ही करेंगे और ओटीटी पर भी करेंगे।